हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जो बच्चे सिक्स क्लास के हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम है ना, तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा वो आपको आपठित गद्यांश का देखना पड़ेगा। मतलब एक ऐसे छोटी सी पैसेज आएगी, फिर आपको इसको पढ़ के इसके आंसर देने होंगे। ठीक है, तो आप कैसे पेपर करेंगे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन जब देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक पदिन उतरत, मतलब आपको एक वर्ड में आंसर लिखना है। तो आपको क्या करना है, पेपर में जैसे मान लो ये आंसर की आपकी कॉपी है, आप इसमें आंसर लिखेंगे और यहाँ लिखा है पहले का, तो आप का डाल देंगे, अब इसका आंसर लिखेंगे। तो जब एक पदिन बोला तो एक वर्ड में आंसर है पक्षिणा कुत्र निवसंती। मान लो आपको इसकी हिंदी नहीं आती, तो आप ढूंढो कि ये दोनों वर्ड कहाँ लिखे हैं। हम देखेंगे यहाँ लिखा है और यहाँ पर लिखा है, तो आप देखो इस कुत्र की जगह क्या आ गया, वृक्षेशु। वैसे इसकी हिंदी है कि पक्षी कहाँ रहते हैं, तो वृक्षेशु मतलब पेड़ पर रहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर वृक्षेशु आ गया। अगर आपको हिंदी समझ नहीं भी आ रही ना, तो आप देखो जो वर्ड मिल गए उसके बीच में जो वर्ड बच रहा है उसी को आंसर कहते हैं। तो आप अपनी आंसर कॉपी में केवल आंसर से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा तीन करने हैं, ये लिखा तीन करने हैं, तो जब तीन लिखा है तो हम तीन ही करेंगे पेपर में भी। ठीक है, तो यहाँ लिखा पर्यावरण से संरक्षण के कुरवंती। मान लो आपको इसकी भी हिंदी नहीं आती, और अगर आपको इसकी भी हिंदी नहीं आती तो आप क्या करेंगे, आप आराम से इसको ढूंढें कहाँ लिखा है, ये लिखा ये लिखा ये लिखा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का जब खा डालेंगे ना आप, खा डाल के आप यहाँ लिख देंगे, जैसा लिखे वैसे वर्ड लिखना है। वृक्षा लिखा तो वृक्षा लिखेंगे, वृक्षेशु लिखा होगा तो वृक्षेशु लिखेंगे, तो खा आ गया। समझ में आ गया आपको कैसे करना है, ऐसी इसका आंसर ढूंढो। मैं इसका भी बता ही देता हूँ, प्राणवायुम के यछंती, तो आप ढूंढो प्राणवायु कहाँ लिखा है, ये लिखा, यशंती कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो क्या यशंती। तो अब आप देखो यहाँ पर के ते लिखा, और ते कौन होते हैं, वृक्ष होते हैं, तो इसका आंसर भी वृक्ष आ जाएगा, वृक्ष है। थोड़ा सा एक आधा मुश्किल भी होता है, जिसको हिंदी पता होगी वही कर पाएगा। फिर भी यहाँ पर चार में से हमें तीन करने, तो ये वाला कर लो, वने के भवंती, तो आप ढूंढो ये रहा वने, ये रहा भवंती, ये रहा, तो के की जगह ये लिख देंगे वह वृक्षा। समझ में आ गई, तो चार में से जो आपको आसानी से मिलने वाले हो वो आप लिख देना, आप आराम से अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, फिर ये पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य का मतलब होता है पूरी लाइन में आपको आंसर देना है, वृक्षा किम यछंती। तो ये आप ढूंढो कहाँ लिखा है वृक्षा किम यछंती, देखो ये यछंती लिखा है और ते की जगह वृक्षा आना था, तो अब ये पूरी लाइन लिख देंगे। सुनाई, मान लो ये आपकी आंसर शीट है, तो आंसर नंबर आप सेकंड का डाल के पूरी लाइन उतार देंगे जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई थी। समझ में आ गई, आपको यहाँ पर एक करना है, फिर भी पढ़ लेते वने के भवंती, तो वने के भवंती ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो आप ये पूरी लाइन लिख देंगे। तो पूर्ण वाक्य मतलब होता है बच्चों पूरी लाइन उतारना, और एक पदिन मतलब होता है एक वर्ड में आंसर देना। फिर यह बोल रहे विभक्ति बताओ वने की, तो ए आ रहा है तो कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है। आपको विभक्ति कैसे याद करोगे, आप देव के रूप कर लो, ठीक है, बालक के रूप कर लो, तो उसमें लास्ट में जो मात्रा दी होती है ना उससे आपको पहचानना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमें शू लिखा है सही लिखा है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा पहली है दूसरी तीसरी है चौथी कौन सी है। अब यहाँ पे बोला कर्तृपद बताओ, बच्चों कर्तृपद का मतलब होता है कि ये जो वर्ड लिखा है ना ये किसके लिए यूज हुआ है, कर्ता कारक कौन है। तो आप अगर आपसे ये पूछ रहा है कर्तृपद, तो निवसंती ढूंढो कहाँ लिखा है, तो ढूंढो निवसंती, ये लिखा, तो ये किसके लिए यूज हुआ, वृक्ष के लिए। ठीक है, नहीं ये यूज हुआ है पक्षियों के लिए, पक्षी रहते हैं ना, तो अगर आपको कर्तृपद समझना है तो पूरी लाइन में जो शुरू में वर्ड होगा वो कर्तृपद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इसकी जगह यहाँ पर
देखो ऑप्शन ही थे यहाँ पर तो, और जब ऑप्शन थे तो हम आराम से देख सकते हैं। इस पोलर में शुरू में कह रहा पक्षिण, तो पक्षिण पे हम सर्कल लगा देंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा भवंती इति पद का लकार, देखो भवंती है तो लट लकार होगा, अगर आगे आ लग जाएगा तो लंग लकार होगा, आधा शाह और या लगा होगा तो भविष्य काल होगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अकारांत शब्द पूछ रहा है, ठीक है। तो अकारांत अकारांत, मेरी बात सुनो आप, मैंने 1 घंटे की पूरी वीडियो बना रखी है संस्कृत की, सैंपल पेपर की, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है, आप वो देख लेना। अब मैं आपको केवल पेपर दिखा रहा हूँ ताकि आप आइडिया ले सके कि पेपर कैसा आएगा। जैसे यहाँ पर 2 जने हैं तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप, देखो ये नीचे हमसे ये बता रखा है कि हमको, कि यहाँ क्या रखा है कि नीचे मंजूषा दे रखी है, तो आपको देख के पढ़ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता ना कि ये दोनों कौन है, ये दोनों कुत्ते हैं, तो ये शुन को लग जाएगा, वहां पर भर देंगे। सुन रहे हो, यहाँ पर आप शुन को लिख दोगे। अब ये क्या है, ये झूला है, और झूले को क्या बोलते हैं, दोला, तो आप दोला भर दोगे, ठीक है। तो इस वाले में आपको क्या भर देना है, दोला भर देना है, इस वाले में शुन को भर देना है, और ये जो है क्या कर रहे हैं, ये कदली फलानी कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा, सालिका है तो सालिका आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, जैसे ये केले का फिर फल है तो कदली फलाने लिख देंगे, और यह सालिका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अहम त्वम भर के दिखाना है, तो इसका सिंपल रूल होता है, अगर मी लिखा है, क्या लिखा है, मी, तो वहां पर तो अहम आएगा, ठीक है। और जहां पर सी एस सी आ जाता है तो वहां त्वम लगाते हैं। बोलो मुश्किल था, नहीं था। तो अब देखो यहाँ पे मी लिखा है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे अहम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा शी, तो क्या आ जाएगा, त्वम आ जाएगा। यहाँ पर मी आ गया, जब मी आए तो अहम लगाना है, ती आ जाए तो त्वम लगाना है। लेकिन अगर बच्चों आपके एग्जाम में ती वाला आ गया तो आपको वहां पे सा ता ते सा जो ऑप्शन में दिया होगा वो लगाना है। यहाँ पर मी लिखा है तो बताओ क्या लगाएंगे, अहम लगाएंगे, ठीक है। फिर देखो कितना आसान है, आपको ये भर के दिखाना है, मतलब मैचिंग करके दिखानी है। देखो अहम के साथ क्या लग जाएगा, अहम बठामी, ठीक है। तो त्वम के साथ क्या लगेगा, त्वम गच्छसि। बहुवचन के साथ क्या लगेगा, धावंती। और एक दो वचन के साथ क्या लगेगा, चलता। फिर उसके बाद आपको इसे जोड़ के लिखना है, जैसे ऊ लिखा और ये द आधा है, द आधा या पूरा, तो ये ऐसे बनाएंगे, उद्या ने उद्याने, इसको जोड़ो, सा आधा है तो सा, था पकड़ना सा, ला पे छोटी की माता लगी ली, साली, का पकड़ने लग गया का, साली का। फिर इसे कैसे करेंगे, आ देखो आधा का है और ना पे छोटी की माता, तो ये अग्नि हो गया, ठीक है। अग्नि, प पे की मतलब अग्नि पे, टा पे छोटी की माता लग गई टे बेटी, अग्नि पेटी, का पकड़ने लगे का, अग्नि पेटी का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ देखो ये क्या लिखा, का कापो की माता लग गया कु, फिर ये जा ऊपर बिंदी लग जाएगा आधा ना की, गुन गुन, ये क्या चा चापो की माता कुंची कुंची, का पकड़ने लगे कुंची का। फिर यहाँ देखो माँ, ये देखो का और शाह मिलता तो क्या बन जाता है, शाह क्षत्रिय बन जाता है, तो मक्ष ऊपरी की माता मक्षी का मक्षी का, ठीक है। ये आपको सारे याद होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। जैसे आपको पता होना चाहिए जो ज्ञा होता है, ये आधा गा और या पूरे से मिलके बनता है। अब यहां बोले से तोड़ो, तो तोड़ेंगे कैसे, ऊ फिर ता, ठीक है, फिर पा, पापे बड़ी की मात्रा, जो आधा होता है उसके स्वर नहीं लगता, ठीक है। पी, फिर प्रयोग ठा, ठा पे छोटी की मतलब लग गई ई, फिर का पे आ करना लग गया बड़ा आम, फिर दो विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला भी देख लो, ये वाला भी देख ही लो। वैसे मैं एक दो बताना चाहता, द ये नीचे वा होता है, वा तो द वा, और ये फिर ई की मात्रा द द्वि हो गया, फिर
प्लस च चा पे आ लगा देंगे, फिर दी का ये क्या होता है र, ठीक है, दी चक्रिका, चक्री ये ऋषि ऋषि होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर देंगे और फिर ई की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद का पे आकर डंडा लगा देंगे, इस तरीके से होता है। उसके बाद ये देखो कैसे करेंगे, सा सा पे छोटे हो की मात्रा सु का, और नीचे री से ऋषि होता है सुक्री, फिर त आ मा, ठीक है। फिर दृष्टिपा को कैसे करेंगे, द री से ऋषि आदर्श, ट देखो दोनों आधे हैं तो दोनों के स्वर नहीं लगेगा, वह जमा बड़ा आ। तो ऐसे यहां पर बहुवचन है तो बहुवचन आ जाएगा, दो जने तो दो जने आ जाएंगे, बहुवचन है तो बहुवचन आ जाएगा, एक वचन तो एक वचन आ जाएगा। एक वचन के साथ एक वचन लगाना है, बहुवचन के साथ बहुवचन लगाना है, समझ में आ गया। देखो ये चलंती बहुवचन है, आधा ना लगा तो बहुवचन होता है तो गजा हो गया। ये द्विवचन है, द्विवचन के साथ द्विवचन लगेगा। और अगर आपको कैसे पता चला, आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला द्विवचन एक वचन बहुवचन है, तो डियर आपने पढ़ती पठत पठंती याद किया होगा। तो देखो पठती में ती आ रहा है, पठत में कुछ भी नहीं आ रहा, और पंथ पठंती में आ रहा है ना आ रहा, तो वो उससे पहचान लोगे, चलंती हो गया तो ये बहुवचन हो गया, गणंती हो गया तो बहुवचन हो गया, जैसे पठती होता है गायत्री लिखा तो ये क्या हो गया एक वचन हो गया, तो गाय का आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको पता होंगे ना तो आप आराम से कर लोगे। ये मत सोचना ये सेम पेपर आने वाला है, ऐसा लग जाए तो बच्चे पढ़ेंगे क्यों, पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं वो क्यों पढ़ेंगे, वो इसी में देख लेंगे। अब उसके बाद देखो ऊपर वाले को देख के नीचे वाला भरना है, ऊपर वाले को देख के नीचे वाला भरना है, जैसे गीता लता लिखा तो गीता लते, तो यहाँ क्या होगा गीते, शब्द आपको ये लेना है और देखना ऊपर से, तो यहाँ होगा गीता और लग जाएगा विसर्ग। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, देखो ऊपर लता लिखा है गीता लिखा है तो पेटिका का क्या हो जाएगा पेटिका। तो देखो आपको कोई बोलेंगे नहीं क्या लिखना है क्या नहीं करना, ठीक है। देखो आपको कोई बोलेगा नहीं क्या करना है, ऊपर वाला देख के नीचे भरना है पेटिका, यहाँ पे विसर्ग लगा बिंदी लगे तो पेटिका लिख के हम दो बिंदी लगा देंगे। ऐसे खटवे खटवा लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा खटवा, बस ऊपर वाला देख के नीचे भरना है डियर। अब महिला क्या आएगा, बहुत सारी महिला है तो धवंती हो जाएगा, सुधा वधती एक वचन है, जवनी के दौलता हो जाएगा, ठीक है, मक्षी का उत्पन्ति हो जाएगा बहुवचन, सूची का अस्थि हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन लगाना है, बहुवचन में बहुवचन लगाना। अब ये बुक के आपके क्वेश्चन है, ये पढ़ो एक पद में, मतलब एक वर्ड में आंसर, जैसे एते के संति ये सब कौन है, ये कौन है स्यूता, मतलब बैग है तो स्यूता लिख देंगे, ठीक है। ऐसे आपको सारे के सारे करने, पूर्ण वाक्य पूर्ण लिखनी है, निर्देश अनुसार में जो बोला वो, जैसे तुमने बोला ऐते लिंग बताओ, तो ऐते यहाँ पे किसके लिए होता है, नपुंसक लिंग के लिए लगता है। और हरितवर्णना कौन सा वचन है, देखो हरितवर्णना जो है किन के लिए हुआ है, ये देखो बहुत सारे बैग है तो ये क्या हुआ बहुवचन, तो बहुवचन आ जाएगा। अब ये भी बहुवचन में है का थाली का, ये थालियां हैं। तो इस तरीके से डियर आप सारे के सारे करेंगे। एता का वचन क्या, ये भी बहुवचन है। थालिका का लिंग क्या है, थालिका क्या है नपुंसक लिंग मानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर घर दे रखा है। अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ जो थाली यहाँ पे लिखे स्त्रीलिंग पठांश, ऊपर हिंट दे दी, तो आप यहाँ पर नपुंसक लिंग पर टिक नहीं करोगे, यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग पर टिक करना है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में हिंट दे रखा था, और यहाँ पर जो पहले वाला चित्र है यहाँ पर पुल्लिंग दे रखा है, तो आप पुल्लिंग पर क्लिक करना फिर, ठीक है। क्वेश्चन में देख लो किसके ऊपर दे रखा है, क्योंकि बैग अच्छा लगता है, बैग अच्छी लगती है, बैग अच्छा लगता है,
तो इस तरीके से उस भाव को भी देखना, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। तो डियर इसने बोला कि इसमें क्वेश्चन वाला कौन सा वर्ड है, तो किम क्वेश्चन वाला वर्ड है, ये लिखा ना प्रश्नवाचक बताओ, ठीक है। फिर आपको संस्कृत की हिंदी लिखनी पड़ेगी और फिर यहाँ पर आपको इनका बहुवचन बनाना, जैसे अहम पठामी वयम पठावा, तो हम पढ़ती तो हम युवाम युवयम, तो उसके हिसाब से आपको भरने होंगे, ठीक है। ये आपको सारी भक्ति याद होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। जो मैंने थोड़ी बहुत हिंट देनी थी आपको प्रोवाइड कर दी, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप चाहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर सर डियर स्टूडेंट।